अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आज वीडियो जो है वो फैक्ट्री पे तो नहीं होगी और ना ही कोई मशीन्स पे होगी, क्योंकि आज टाइम नहीं मिल सका, थोड़ा सा मसरूफ़ था बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने कहा कि दिन मिस नहीं होना चाहिए, आपके लिए वीडियो तो लाजमी लानी है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक फ़नी वीडियो। बेसिकली क्लिप्स हैं छोटे छोटे जो मैंने काफ़ी दिनों पहले देखे थे, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए और आपको भी थोड़ा सा एंजॉय कराया जाए। तो आइए देखते हैं क्लिप को। आज मैं दिखाऊंगा आपको मिथुन दाव वर्सेस साउथ। हो सकता है ये देखकर आपके होश उड़ जाएं, आपको क्या पता रात को नींद भी ना आए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखें, गुंडों के हाथ में है हथियार और मिठू दा है खाली हाथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मिथुन दा का दिमाग देखा है आपने? ये दुपट्टा आम दुपट्टा नहीं है, क्योंकि इस दुपट्टे पे हीरे मोती नहीं बल्कि ब्लेड लगे हुए हैं। देखें जी, दर्द जो होता है वो आम इंसान को होता है। मिथुन दा के पास कोई हथियार नहीं, लेकिन उन्होंने बोतल तोड़कर अपना हाथ हथियार बना लिया। A few moments later. अब आप देखें मिथुन दा खाली हाथ क्या कमाल दिखाते हैं। मिथुन दा के सामने जब गुंडे आ जाए ना, तो उसका दिमाग और भी तेज हो जाता है। यही वजह है कि गुंडे दूसरे सियारे में शिफ्ट हो गए। Eventually. ओहो, ये क्या, मिथुन से लड़ने अब लेडीज आ गईं? वाह, क्या सीन है। तुम लोग सब औरत हो और मैं औरत जात की बहुत इज्जत करता हूं। मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता। अगर तुम लोगों की जगह मर्द होते तो सभी के सभी अभी मर चुके होते। बात तो सही है। अरे मान लिया कि लेडीज बहुत आगे निकल गई हैं, पर गुंडे जब कुछ नहीं कर पाए तो ये लेडीज क्या करेंगी? देश संकट में है। A few moments later. आए अब आपको दिखाते हैं तमिल के सुपर हीरो। ये हैं शैम्पू बाबू। ये तो कमाल ही कर गए हैं, मिथुन दास से ये तो चार हाथ आगे हैं, पुलिस ट्रेनिंग ले रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। wow!
यार मुंह से बस को खींच लिया, ये कोई आम इंसान नहीं, ये है छोटे भीम का बड़ा भाई बड़ा भीम। ट्रेन के नीचे रखी हैं सिर्फ अपनी उंगलियां और मामूली सा आया जख्म, अगर पूरा हाथ घुसाते तो ट्रेन ही उलट जाती। Eventually. अब और कमाल देखें, मुक्के मारेगा दरख को और खून भी निकलेगा दरख का ही। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब खून निकला है तो इसका मतलब दरख की हड्डियां भी होंगी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इतनी मेहनत के बाद शैम्पू बाबू बन गए पुलिस ऑफिसर। वैसे तो पुलिस वालों को मिलती है गन, पर इनको मिले तीर और वो भी हो गए ख़त्म, तो फिर देखें इन्होंने क्या कमाल किया। यार प्लीज़ अब ये ना कहना कि ये झूठ है, जो शख्स मुर्गी का तीर बना सकता है वो केले से बंदे नहीं मार सकता। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब आप ये ना सोचें कि शैम्पू बाबू की सिर्फ बॉडी ही कमाल की है, उनका दिमाग भी बड़ा तेज़ है, उनका दिमाग दौड़ता है 6G की स्पीड से। ये देखें उन्होंने बनाया है जड़ी बूटियों का कंप्यूटर। अरे कहना क्या चाहते हो? आम कंप्यूटर चलते हैं बिजली से, पर इनका कंप्यूटर चलता है पानी से। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? यार ऐसे लोगों के पांव क्या, ऐसे लोगों को चुम्मी देने का दिल करता है, ऐसे लोग कभी कभार पैदा होते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत यार कमाल करते हैं साउथ वाले भी और ये मिथुंदा भी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपसे अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।